हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय किचन। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सुपर सॉफ्ट और टेस्टी ब्रेकफास्ट की इंस्टेंट रेसिपी। तो रेसिपी जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम गैस पर एक फ्राइंग पैन को गर्म होने के लिए रखेंगे। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल के गर्म होते ही इसमें हम 1 कप पानी ऐड करेंगे, और साथ ही आधा टीस्पून अजवाइन इसमें डालेंगे। अब स्वादानुसार या 1 टीस्पून नमक हम इसमें ऐड करेंगे। पानी में उबाल आते ही 2 टेबल स्पून के बराबर हरा धनिया इसमें हम ऐड कर देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखेंगे और 30 सेकेंड के लिए इन्हें उबलने देंगे, ताकि अजवाइन और हरे धनिया का फ्लेवर पानी में अच्छे से इन्फ्यूज़ हो जाए। अब हम इसमें 1 कप चावल का आटा ऐड करेंगे, और साथ ही 1 टीस्पून के बराबर सूजी ऐड करेंगे। इससे हमारा नाश्ता बहुत ही स्पॉन्जी बनेगा। स्पेचुला से चावल के आटे को दबाते हुए पानी में अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, ताकि आटे में कोई भी लंप ना रहे। इसी तरह से लगातार हिलाकर मिलाते जाएंगे, जब तक कि आटा पूरे पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब न कर ले। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और आटे को ढककर इसके स्टीम में 10 मिनट तक सिमर होने देंगे। मैंने यहाँ 2 टेबल स्पून ताज़े नारियल के टुकड़े लिए हैं। इनका ब्राउन वाला पार्ट मैंने हटा दिया है। ताज़ा नारियल ना हो तो आप इसकी जगह डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर या फिर सूखे नारियल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस रेसिपी में। एक मिक्सर जार में हम इस नारियल को ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इसके साथ हम डालेंगे 2 टेबल स्पून भुनी मूँगफली का पाउडर। अब इसके बाद हम लेंगे 1 टेबल स्पून भुना हुआ चना, आधा इंच अदरक के टुकड़े डालेंगे, 3 हरी मिर्च के टुकड़े डालेंगे, और साथ ही आधा टीस्पून या स्वादानुसार नमक डालेंगे। आधा टीस्पून कच्चा जीरा भी इसमें हम ऐड कर देंगे। अब लास्ट में हम इसमें डाल देंगे 3 टेबल स्पून पानी, ताकि सभी चीज़ें अच्छे से ग्राइंड हो सके। तो ये देखिए चटनी कितने अच्छे से पीस कर तैयार हुई है। इसमें मैंने 1/4 कप पानी और ऐड किया था पीसने के दौरान। जार में लगी चटनी में थोड़ा पानी डालकर हिलाकर इसे भी हम बाउल में डाल लेंगे। अब 1 स्पून से इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं, ताकि सारी चटनी की कंसिस्टेंसी एक जैसी हो जाए। अब हम इसे और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए इसका तड़का तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम एक तड़का पैन को गर्म होने के लिए रखेंगे। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून तेल डालेंगे। तेल के गर्म होते ही सबसे पहले हम इसमें डालेंगे आधा टीस्पून राई। राई के चटकते ही 1 टीस्पून धुली हुई सफ़ेद उड़द दाल डालेंगे। दाल को थोड़ी देर भूनेंगे। अब हम इसमें 2 पिंच हींग पाउडर डालेंगे। 3 से 4 सूखी लाल मिर्च को ऐड करेंगे। इन्हें तेल में थोड़ी देर भूनने देंगे। अब 5 से 6 करी पत्ते हम इसमें ऐड कर देंगे, और साथ ही 1/4 टीस्पून नमक डाल देंगे। अब इन सभी मसालों को 10 से 15 सेकेंड के लिए और भूनकर अच्छे से चटका लेंगे। अब इस टेस्टी सी टेम्परिंग को हम बाउल में रखी चटनी के ऊपर डाल देंगे। इस तरह से चटनी में तड़का लगा देने से चटनी का टेस्ट बढ़ जाता है और लुक भी बढ़ जाता है। इसके साथ आप जो भी नाश्ता सर्व करेंगे तो उसका टेस्ट दुगना हो जाएगा। अब 10 मिनट बाद आप देख सकते हैं लिड पर काफ़ी पानी इकट्ठा हो गया है, और चावल का आटा भी अच्छे से फूल गया है और इसमें एक बाइंडिंग सी आ गई है। जब ये हल्का गर्म हो और हाथ से छूने लायक हो जाए, तब हम इसे एक बार और अच्छे से मसल कर चिकना कर लेंगे। अब हम हथेलियों पर थोड़ा तेल लगाकर इन्हें ग्रीस कर लेंगे। फिर आटे का थोड़ा पोर्शन लेकर इस तरह से रोल करके एक चिकनी बॉल या पेड़ा बनाकर तैयार करेंगे। इसी तरह से हम सारे आटे से पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। अब आगे की प्रोसेस में हम एक चौड़े बर्तन को, कढ़ाई जैसे बर्तन को गर्म करेंगे, और उसमें लगभग 1 गिलास पानी डालेंगे। इसमें हम एक स्टैंड या इस तरह की जाली को रख देंगे, और जब पानी में उबाल आ जाएगा, स्टीम बनने लगेगी, तब हम इसमें नाश्ते की प्लेट को स्टैंड पर रखेंगे। तो इसके लिए एक होल वाली प्लेट को पहले तेल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे,
फिर उस पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर नाश्ते को रख देंगे और इस तरह से कवर करके 10 मिनट तक इन्हें हम स्टीम में पकने देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई पर रखेंगे ताकि इसमें लगातार स्टीम बनती रहे। अगर आपके पास स्टीमर है तो आप इस नाश्ते को स्टीम करने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 10 मिनट बाद गैस को हम बंद कर देंगे और धीरे से प्लेट को बाहर निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं स्टीम होने के बाद ये साइज में बड़ी हो गई है फूलकर और अभी बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, प्लेट को आसानी से छोड़ रही है। इसी तरह से आप दूसरी बेच को भी स्टीम करके तैयार कर सकते हैं। अब आगे की प्रोसेस में हम एक फ्राइंग पैन को गर्म करेंगे। इसमें हम 1 टीस्पून तेल डालेंगे। तेल के गर्म होते ही सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून सफ़ेद तिल यानी वाइट सिसमी सीड्स, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे और साथ ही बिल्कुल थोड़ा सा लगभग 1/4 टीस्पून नमक हम इसमें ऐड करेंगे। हमने नाश्ते में भी नमक डाला था और चटनी में भी नमक है, तो बस थोड़ा सा ही नमक हमें यहाँ पर ऐड करना है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें स्टीम्ड इंस्टेंट इडली को डाल देंगे। मसाले में हम इन्हें हिलाते हुए अच्छे से मिलाएंगे और करीब 1 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर हिलाते हुए इन्हें रोस्ट होने देंगे ताकि मसालों की एक क्रिस्पी सी लेयर इन पर आ जाए। थोड़ा हरा धनिया और इसमें हम डाल देते हैं ताकि ये देखने में भी टेम्पटिंग लगे और खाने में तो ये लाजवाब है ही। अगर आप सारी इंस्टेंट इडली को एक बार ही स्टीम करके फ्राई करने वाले हैं, तेल और मसालों की क्वांटिटी को उस हिसाब से बढ़ा लीजिएगा। गैस को अब हम बंद कर देंगे और इन्हें एक सर्विंग प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे। इस नाश्ते को बनाना बहुत ही आसान है, आप भी इसे एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा, सबको बहुत पसंद आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप इस मज़ेदार से हेल्दी और टेस्टी नाश्ते को हमारी नारियल की चटनी और टमेटो केचप के साथ एंजॉय करें। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।